सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने करने वाले सटल हाईलाइट कलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, हम लोग पहले शैम्पू करेंगे क्लाइंट को, अच्छी तरह से हेयर को क्लीन करेंगे, देन हम लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और इस टाइम हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग डार्क केक में कैसे विदाउट पी लाइटनर कलर लाएँ। तो हम लोग यूज़ करेंगे 13 नंबर का कलर, जो हम लोग आता है मैजिक ब्लॉन्ड का, लोरियल प्रोफेशनल मैजिकल का मैजिक ब्लॉन्ड, उसको हम लोग मिक्स करेंगे 30 वॉल्यूम के साथ, जो उसका मिक्सिंग रेशियो होगा 1:2। देन हम लोग करेंगे हाईलाइट, और हम लोग हाईलाइट जो करेंगे वो सिर्फ 4 सेक्शन में करेंगे, ऑन टॉप ऑफ द क्राउन करेंगे। सो पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेंगे, उसमें रिंग निकालेंगे, देन उसमें हम लोग कलर को एप्लीकेशन करेंगे। और कलर आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है, जिससे पैची रिजल्ट ना आए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए कलर को एप्लीकेशन करना है, देन उसको हम लोग टाइट फॉइल रैप कर देंगे। सो ऐसे करके हम लोग फिर थोड़ा सा एरिया छोड़ के फिर एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। सो हम लोग 4 सेक्शन करेंगे ऊपर में, तो 4 सेक्शन में उसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे, देन फिर से एक सेक्शन लेके उसमें वीविंग निकालेंगे। और ये आपका ऊपर है पूरा कि आप कितना थिक वेविंग लेंगे या फाइन वेव लेंगे, तो आपको जितना कलर दिखाना है वो पूरा आपका ऊपर है। अगर कहीं पे मोटा सेक्शन आ जाते हैं तो उसको आप कॉम के थ्रू पतला कर सकते हैं, देन हम लोग फॉइल देंगे। पहले हम लोग मिड लेंथ पे कलर का एप्लीकेशन करेंगे, देन लेंथ में, देन उसको हम लोग वर्टिकल स्टिप करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होता है हार्श लाइन नहीं दिखता है। तो ऐसे करके हम लोग कलर को एप्लीकेशन करेंगे। हम लोग अगर चाहते हैं काम को पी लाइटनर से भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों का क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, डैमेज है, और ऊपर से मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत कोटिंग भी है, लेकिन उनको डैमेज नहीं चाहिए था, वो पी लाइटनर नहीं यूज़ करना चाह रहे थे, इसलिए मैं डायरेक्ट कलर से काम करूँगा। और इसमें एक मेट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको आगे दिखेगा, सो आप अंत तक का वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप क्विक हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सलून में बहुत ज़्यादा काम है, आपको काम भी जल्दी करना है और एज इट इज़ रिजल्ट भी लाना है, तो उस टाइम आप कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ आगे, सो देखते रहिए। सो ऐसे करके फिर एक सेक्शन में हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो हो गया हम लोग का 3 सेक्शन, एक और सेक्शन में हम लोग हाईलाइट करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छे से प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर रहा हूँ, और सलून में थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो इसको अवॉइड कीजिएगा, बस क्या में फोकस रखिए, क्योंकि पूजा का टाइम है, काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस दौरान वीडियो शूट करके उसमें एडिटिंग करना भी थोड़ा टफ है। तो आप इसमें डिसाइड कीजिएगा आपको क्लाइंट का फ्रंट में कितना कलर चाहिए, एकदम सामने दिखाना चाहते हैं तो एकदम फ्रंट में कलर कीजिएगा, अदरवाइज़ फ्रंट से 1/2 इंच छोड़ के देन आप कलर को एप्लीकेशन कीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का लास्ट सेक्शन, ठीक है। इसको एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग पहले 20 मिनट जैसा वेट करेंगे, ठीक है। एक बार में हम लोग स्टीम एप्लीकेशन नहीं करेंगे, स्टीम को नहीं देंगे, पहले हम लोग 20 मिनट वेट करेंगे, देन देखेंगे कलर कैसा आ रहा है। अगर आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है देन हम लोग उस पर कुछ करेंगे। सो ये हो गया हम लोग का 4 सेक्शन। तो देख सकते हैं मैं कितना अच्छे से इमल्सिफाई किया हूँ, ऐसे ही आपको करना है। तो ये हो गया हम लोग का फॉइल लॉक, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो देख लीजिए, यही मैंने 4 सेक्शन किए क्योंकि क्लाइंट को ज़्यादा कलर नहीं चाहिए था, तो उसके बाद 20 मिनट बाद हम लोग देखेंगे हेयर में
ये कितना कलर आया है, कितना लिफ्टिंग हुआ है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं अभी भी एकदम हल्का सा सिर्फ कलर आ रहा है, मतलब एकदम टिंच कलर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इस दौरान, क्लाइंट को स्टीम देंगे। स्टीम से क्या होगा, स्टीम से हेयर में, हेयर का क्यूटिकल ओपन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और हीट से कलर जल्दी आता है। तो देख सकते हैं बस 5 मिनट का हीट से कितना कलर आ गया। तो इसको हम लोग फिर से फॉइल रैप करके फिर थोड़ा देर हीट देंगे, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक हीट देंगे। तो देख सकते हैं कलर आ चुका है पूरा। देन हम लोग इसको वॉश कर लेंगे। पहले हम लोग सब सेक्शन को चेक कर लेंगे, ये इक्वल कलर आया है कि नहीं, तो देख सकते हैं ठीक है कलर आ चुका है। देन हम लोग हेयर को वॉश कर लेंगे। वॉश होने के बाद ड्राई करेंगे। शो देख सक रहे हैं कैसा कलर आया, क्योंकि उनका प्रोफेशन में कलर बहुत ज़्यादा शो भी नहीं करना था, ठीक है, इसलिए मैंने इतना हल्का में इसको छोड़ दिया। अदरवाइज़ मैं पी लाइटनर से काम कर सकता था, मुझे टिंच कलर चाहिए था हल्का सा, इसलिए मैंने कलर से डायरेक्ट काम किया। तो शो देख सक रहे हैं कलर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आप क्लाइंट के ऊपर हैं, अब अगर ये चाहते हैं तो थोड़ा और साइड से पार्टिंग कर लेंगे, तो अब इनका ऊपर है आप ये कैसे कैरी करते हैं नहीं करते हैं। तो ये रहा पूरा फाइनल लुक, होप यू लाइक इट। अगर अच्छे लगे तो वीडियो में लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। सो बाय, टाटा।